हेलो एवरीवन, सो मैं यूफ्रेज़िया आज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग पढ़ाऊँगी जो चीज़ें क्वेश्चन पूछा जाता है इस मेडिसिन से BHMS यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में। ठीक है, सो पहला जो है क्वेश्चन यूफ्रेज़िया का, आई पूछा जाता है। आई बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हमारी यूफ्रेज़िया मेडिसिन का। एक चिली मेडिसिन होती है, पेशेंट चिली होता है, और आई का इसमें है कि आई यूफ्रेज़िया इज़ अडॉप्टेड टू एम्ब्लियोपिया मींस ब्लर आई, ओपेसिटी यानी कि वही चीज़ उसको दिखना बंद हो जाता है, ब्लर हो जाती है आईज, एंड अल्सरेशन ऑफ कॉर्निया विद कैटरल कंडीशन ऑफ आईज एंड कैटरल कंजक्टिवाइटिस, यानी कि कैटरल मतलब पानी आने लगता है आईज से, कॉर्निया से, और कंजक्टिवाइटिस यानी कि रेड आई जो हो जाती है जाकर सर्जरी में पड़ेंगे। तो अगर आप थर्ड ईयर का सर्जरी का एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो भी आप यूफ्रेज़िया को ऑप्थेल्मोलॉजी में मेंशन कर सकते हैं अलॉन्ग विथ दीज सिम्टम्स। ओके, सेंसेशन ऑफ ड्राइनेस होती है इसमें, बर्निंग होती है एंड बाइटिंग इन दी आइज, यानी कि ड्राइनेस, बर्निंग, बाइटिंग इन दी आइज। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्चार्ज, द आइज वाटर ऑल द टाइम विच इज कोपियस एंड एक्रिड। कोपियस का मतलब होता है वेरी मच एंड एक्रिड। द आइज आर एग्लूटिनेटेड इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह सुबह चिपकी हुई होती हैं, प्रोफ्यूज। एक्रिड लेक्राइमेशन होता है, प्रोफ्यूज मतलब बहुत सारा, एक्रिड मीन्स एसिडिक, लेक्राइमेशन मीन्स पानी आना, आँखों से पानी आता है विद प्रोफ्यूज ब्लैंड कोराइजा। इसमें जो कोराइजा होता है वो ब्लैंड होता है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगी कि जब एग्ज़ाम में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलियम सेपा में और अपने यूफ्रेज़िया के आई के सिम्टम में डिफरेंस बताओ, आई भी लिखा होगा तो भी आपको यही डिफरेंस लिखना है। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है कि जो एलियम सेपा होता है ना, उसमें जो कोराइजा होता है यानी कि जो नाक से पानी आता है वो एक्रिड होता है, और लेक्राइमेशन यानी कि जो आँख से पानी आता है वो ब्लैंड होता है। और जो भी यूफ्रेज़िया होती है ना, उसमें क्या होता है कि एक्रिड लेक्राइमेशन होता है और प्रोफ्यूज ब्लैंड कोराइजा होता है। ठीक है, और एलियम सेपा में क्या होता है, जैसे वो एक्रिड होता है ना, उसका कोराइजा तो उसके नाक के नीचे छिल जाता है, और जो अपना ये यूफ्रेज़िया है इसमें गालों पर रेड रेड हो जाएगा और छिल जाएगा। तो ये हमारे मेन डिफरेंस है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये आना बहुत ज़रूरी है। आई होप आई हेल्प यू विद यूफ्रेज़िया। और इसमें जो पूछा जाता है यूफ्रेज़िया के जो सेकंड चीज़ हमसे पूछी जाती है यूफ्रेज़िया के, मेंसेस पूछे जाते हैं दो नंबर में। तो मेंसेस में जो है, यूफ्रेज़िया इज़ सूटेबल फॉर एमनियोरिया एंड डिसमेनोरिया, यानी कि एमनियोरिया मतलब एब्सेंस ऑफ पीरियड्स, और डिसमेनोरिया मतलब पेनफुल पीरियड्स में भी हम ये दे सकते हैं, लेट और मे बी इरेगुलर। ठीक है, लेट आए या रेगुलर आए। और इसमें ना बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज़, इसमें स्कैंटी होता है, सॉरी, जिसमें जो क्वांटिटी होती है ना मेंसेस की अपने यूफ्रेज़िया में, वो स्कैंटी होती है, और बहुत ज़्यादा पेनफुल मेंसेस होती हैं। ठीक है, द मेंस्ट्रुअल फ्लो लास्ट ओनली वन डे और समटाइम्स ओनली वन आवर विद प्रोफ्यूज एक्रिड लेक्राइमेशन। यहाँ पे फिर वही बात आ गई कि इसमें जो मेंसेस होते हैं ना, अगर उसके टाइम में प्रोफ्यूज एक्रिड लेक्राइमेशन हो रहा है और बस एक दिन के स्कैंटी पीरियड्स आ रहे हैं, तो हम यूफ्रेज़िया दे सकते हैं। इट इज़ इंडिकेटेड, ओके, दिस वॉज आवर मेंसेस। तो मेनली हमारी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में यूफ्रेज़िया से यही पूछा जाता है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि मैं न्यूमोनिक्स भी अपलोड करूँगी ताकि आपको नोटिफिकेशन चली जाए, और लाइव पर भी मैं न्यूमोनिक्स बताऊँगी। मैंने लाइव करके क्विजेस भी हम कर सकते हैं, तो और आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे मेरे वीडियोज़ फॉर श्योर। थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट आपको न्यूमोनिक्स और बाकी चीज़ों के वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। थैंक यू।